Hello everyone, welcome to my channel Thought Not and I am Bindu Joshi, a clinical psychologist. इससे पहले कि हम आज की अपनी वीडियो शुरू करें, मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद कोई वीडियो लेकर के आ रही हूँ। कोविड-19 के कारण जैसे पूरा देश एकदम लॉकडाउन की स्थिति में चला गया, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के जो लोग थे वो काफ़ी परेशानी में थे। उन्हीं तक हम लोग अपनी सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश में थोड़ा सा बिजी थे, इसी कारण मैं कोई वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचा सकी। उसी कोविड-19 से ही जुड़ी हुई आज की हमारी ये वीडियो है, जिसमें कोविड-19 के कारण जिस तरह से सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ एकदम लॉकडाउन कर दी गई, तो उसके कारण जो लोगों को एक स्ट्रेस के दौर से गुजरना पड़ा, हालांकि न केवल गुजरना पड़ा, हम अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं। फाइनेंशियल जो स्ट्रेस हम लोग फेस कर रहे हैं, जो वीकर सेक्शन हमारा है, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, जिसने किसी तरह से माइग्रेंट वर्कर्स की जो हालत है वो तो हम लोग पूरे विश्व उसको देख रहा है कि किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स या लेबर क्लास जूझ रही है, फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी, है ना। बट जो कुछ एक वर्कर जिन्होंने किसी तरह से कुछ नए कोशिशें करके कुछ नए आयाम छूने की कोशिश करी और किसी तरह अपने आप को मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तक पहुँचाया, उनकी जो वो सारी कोशिशें थी वो सारी धराशायी हो गई इस लॉकडाउन के कारण। तो वो बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक फेज में है इस समय। उनको लेकर के मेरी जो ये एक कोशिश है कि मैं उन तक किसी तरह अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने के लिए फर्दर प्लानिंग को कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन तक, और मिडिल क्लास तक, हमारी मिडिल क्लास तक, मेरी जो भी हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक मैं किसी तरह आपकी किसी भी छोटी से छोटी समस्या को एड्रेस करने की कोशिश कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अपर मिडिल क्लास की भी बात करें, वो इसके कंसिक्वेंसेस से, लॉकडाउन के कंसिक्वेंसेस से या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लॉकडाउन से अछूती रही होगी। तो हालांकि उन तक इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका नहीं पहुंचा, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो हमारे लेबरर्स हैं, वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स का तो बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा हश्र हुआ। उन लोगों के पास रेंट्स तक देने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो उनके लिए तो मुझे नहीं पता ये कितनी कारगर साबित होगी वीडियोस, क्योंकि उनके पास तो फाइनेंसेस शायद बचे भी नहीं होंगे हाथ में। लेकिन जिनके हाथ में थोड़ा कुछ अमाउंट बाकी है और आने वाले समय में उनको लगता है कि कुछ एक समय, अभी हम इकोनॉमिकली जब तक हम लोग बूस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, तो किस तरह से हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं यही सब टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह हम लोग हमेशा बात करते हैं कि होप सबसे बड़ी मेडिसिन है, हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के लिए भी जो एंटीडोट बनाने की कोशिश है वो भी एक रे ऑफ होप का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हालांकि उसके लिए अनडाउटेडली साइंटिफिक मेथडोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, प्रोसेसेस का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके हम लोग देखते हैं कि बिना होप के हम किसी भी नई चीज़ को शुरू नहीं कर सकते। तो कोविड-19 का एंटीडॉट बनेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी रे ऑफ होप है कि ऐसा किसी के दिमाग में, बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में एक थॉट आया। तो अगर इतने हार्ड टाइम में, जो कि सबसे ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके पास तो एक इसको अवॉइड करने का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, बट दे आर स्टिल इन प्रोसेस कि वो किस तरह से एंटीडॉट बना पाएँ। तो उन लोगों ने अगर हार नहीं मानी है, तो हम लोग तो जो मिडिल क्लास है वो तो हमेशा से हार्ड टाइम्स फेस करने की हमेशा से आदी रही है, हमें करना पड़ता है। तो मेरी सबसे बड़ी एक जो टिप का जो शुरुआत मैं करना चाहती हूँ कि होप को अपने से दूर मत होने दीजिए। होप का जो ऑरा है ना, वो आप लोगों के चारों तरफ रहना चाहिए, स्माइल के रूप में, आपकी बॉडी लैंग्वेज के रूप में, आपकी बातचीत के रूप में, क्योंकि बिना होप के आप अपने हार्ड टाइम को पार नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आप उनको बेहतर ढंग से यूज़ नहीं कर पाओगे, सॉल्यूशंस को ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, कीप योर होप, अपने होप को अपने होल्ड में रखिए, और जो आपकी जो वरीज हैं, जो आपका स्ट्रेस है, बहुत दूर रखिए अपने आप से। स्वाभाविक है हार्ड टाइम में स्ट्रेस होना,
लेकिन उसको दूर रखना ये आपके हाथ में है, उसको दूर करने के लिए काम करना ये आपके अपने हाथ में है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होप के बाद मेरी है, होपफुल रहना सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है। उससे दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप प्लान करिए अपने बजट को, अपनी जो मंथली बजट के लिए जो आप शॉपिंग के लिए एक तैयार करते हैं कि क्या लाना है, उसमें हम एक नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 50-30-20। तो 50 में हम उन कमोडिटीज़ को रखते हैं जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल है, जिनके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। उसमें हमारा राशन आ गया, उसमें हमारी फीस आ गई, हेल्थ मेडिकेशन आ गया, हमारा बिल्स आ गए, स्कूल फीस वगैरह आ गई, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको रखना। तो अपने फाइनेंसेस को केवल केवल जो 50 में हम रखते हैं वो केवल हम असेंशियल कमोडिटीज़ को काउंट करते हैं। 30 में हम लोग काम काउंट करते हैं वॉन्ट्स को, टू एक्सपेंडिचर टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। 20 में हम लोग काउंट करते हैं आपकी अपनी सेविंग्स अमाउंट इन योर हैंड, राइट, टू एक्सपेंड इन इमीडिएट सिचुएशंस, इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंटली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारा 50-30 का फॉर्मूला है, इसको न केवल एज इट इज़ थोड़ा सा बदलाव के साथ इसको फॉर्मुलेट कीजिए कीजिए इम्प्लीमेंट कीजिए, बल्कि थोड़ा सा इनको जब आप सामान लेने जा रहे हैं तो हम लोग चले जाते हैं कि अच्छा हमको राशन का कुछ सामान लाना है, और हम शॉप में खड़े होकर के शॉपिंग कर लेते हैं जो हमें लगता है कि असेंशियल है। बट बहुत टाइम हम लोग देखते हैं, अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे अपने बजट को के हिसाब से अपनी चीज़ों को असेंशियल की कमोडिटी में, उन असेंशियल की कमोडिटी में भी हमारे पास 10% ऐसा स्टफ़ होता है कि जो हमारे लिए नॉन असेंशियल होता है। उनके वो सिर्फ हम स्टफ़ इसलिए खरीदते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं लाइफस्टाइल से। बहुत इस समय जो हम सिचुएशन में, जिस तरह की हम इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सिचुएशंस फेस कर रहे हैं पूरे विश्व में, स्पेशली इन इंडिया, जो कि हम लोग पिछले 4-5 साल से भी हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि उसके कारण हम लोग, हम जो स्पेशली जो हम इंडियंस हैं, हम लोगों की जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी, हमारा जो फाइनेंसिस है वो पहले ही डगमगाया हुआ था ऑलरेडी, अब लॉकडाउन के कारण उसकी हालत जो है धराशायी हो गई है। तो अपने जो फाइनेंसिस हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, उनको बहुत स्मार्टली प्लान कीजिए। 50 की कमोडिटीज़ में जब आप शॉपिंग करने जाएं तो प्लीज़ 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 राइट डाउन योर होल लिस्ट, क्योंकि आप, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप उसमें 10% स्टफ़ ऐसा पाएंगे जो नॉन असेंशियल होगा, जो आपकी सर्वाइवल के लिए, आपके ज़रूरतों, सिर्फ आपकी लाइफ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए वो स्टफ़ है, इट्स नॉट असेंशियल। सो आपका वहाँ पे भी पैसा बच जाएगा, आप उसको बस स्मार्टली प्लान करिए। 30 की जो कैटेगरी है, जो टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, उसको अभी आप होल्ड पे रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आने वाला समय, जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 विल हैव टू फेस, तो उस समय लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, उस समय किस तरह के हेल्थ इश्यूज हम लोग फेस करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे हाथ पे होना ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ सडन आप उठ करके नहीं जा सकते कि आपको ये इश्यूज हुए हैं या कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, आपको लोन चाहिए, तो उस समय आपका वही पैसा काम आता है जो आपके हाथ में है। तो अपना जो 30 का जो कैटेगरी है, 30% का जो कैटेगरी है या रेशो है, आप उसको होल्ड पे रखिए, अननेसेसरीली उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए या एंजॉय के लिए अभी अपना पैसा खर्च करने की जो हमारी हैबिट बन चुकी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, बस कुछ एक समय के लिए, कि जब तक हमारी इकोनॉमिकली हम लोग थोड़ा सा बूस्ट नहीं कर लेते, थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से बूस्ट में नहीं आ जाती हैं, तब तक इसको हम करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और 20 की कैटेगरी, तो 20 का जो रेशो हम रखते हैं वो हमेशा सेविंग्स के लिए, उसमें तो कोई भी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा ये कहना ज़रूर है कि जो 20 की कैटेगरी है उसको कई बार हम लोग इंश्योरेंसेस में लगाते हैं, कई बार हम लोग ज्वेलरी खरीदने में लगाते हैं। इंश्योरेंस खरीदते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो इमीडिएट अगर हमको पैसा चाहिए, तो
या हम लोग अगर स्टॉक्स खरीदते हैं तो उस समय इमीडिएट हमारे पास एकदम से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करके, ताकि आपके हाथ में एकदम इमीडिएट कुछ मनी बाकी रहे। तो 50-30-20 का फॉर्मूला हमारा इस तरह से था। और मेरी प्लीज़ प्लीज़ सजेशन है कि 50-50 की रेशो पे अभी आप अपने सेविंग्स को रखिए। फर्दर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी आज की बातचीत है वो ये है कि अनडाउटेडली हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ड टाइम है, और साइकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग समझते हैं कि उसके फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हम जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएट देखने लगते हैं। तो इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि होप हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, सबसे बड़ी मेडिसिन विश्व की होप है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टिप हमारा इसी कंसर्न में है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करें। अनडाउटेडली अनसर्टेनिटी, मैं घर में रह रही हूँ, या मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ, या मैं काउंसलर की तरह कहीं पे जॉब कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करने वाली सिचुएशन है जिनकी जॉब में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या से जूझ रहे हैं। तो मेरी उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह है कि अपने आप को न केवल होपफुल रखिए, बल्कि अगर आप होपफुल रहेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे, आप बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने आप को अपग्रेडेड रखें, मोटिवेटेड रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं रखेंगे, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन लेट पहुँचेगी, और तब तक वो जो अपॉर्चुनिटी आपको एज अ जॉब कहीं मिल सकती थी वो किसी और के पाले में होगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली आप अपने आप को अपग्रेडेड रखें, अपडेट रखें, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रीज इतने समय तक बंद रही है, वर्क फ्रॉम होम की प्रथा शुरू हुई है, उससे पूरी इंडस्ट्री का एक मूड एंड टेम्परामेंट चेंज होने वाला है। तो अपने आप को, अगर आपने लाइफस्टाइल को तो हम इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं, लेकिन हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रोवाइज़ नहीं करते हैं, अपने जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है हम उसको अपग्रेड नहीं करते हैं। तो प्लीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने से बेहतर है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल एजुकेशन को जो है अपग्रेड करें, इम्प्रोवाइज़ करें, ताकि आपके पास जहाँ अभी तक एक अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास तीन चार रास्ते खुल जाएं, तीन चार इंडस्ट्रीज़ में आपके पास अप्रोच करने के लिए जगह हो। तो हालांकि अनडाउटेडली ये तो ज़रूर है कि बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे वेबसाइट जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, अपग्रेड करते हैं प्रोफेशनली, वो बहुत सारा चार्ज करते हैं लोगों को, और अनडाउटेडली वो पैसा कमाने बैठे हैं तो डेफिनेटली वो चार्ज भी करेंगे। बट मेरी आप लोगों के साथ ये सलाह है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, जैसे फेसबुक ने भी अभी लॉन्च किया है डीकोडिंग एंड कोडिंग के प्रोफेशनल्स को, जो लोअर सेक्शन भी है उनको भी, या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी एजुकेट करने के लिए उन्होंने डीकोडिंग के और कोडिंग के क्लासेस शुरू किए हैं। तो फेसबुक के माध्यम से आप लोग डीकोडिंग एंड कोडिंग के, या सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इस तरह के हैं कि जो लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक अपनी सर्विसेज पहुंचाते हैं आपको अपग्रेड करने के लिए। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। अपडेटेड रहना भी इसलिए ज़रूरी है कि आप तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची अगर टाइम पे, तो आप लोग किस तरह से अपने आप को, और अपडेट करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोशल नेटवर्किंग में चल जाएँ। बहुत सारे हम लोग इस तरह के ग्रुप्स में जुड़े होते हैं जहाँ सिर्फ कॉमेडी चल रही होती है, जोक्स चल रहे होते हैं, स्टूपिड आइडियाज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। व्हाई नॉट टू जॉइन सच सच पीपल, जहाँ तक जो आप लोगों तक अप्रोप्रिएट जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं, आपकी जॉब से, आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को सही लोगों से कनेक्ट करना शुरू करिए। शुरू में हम लोगों ने देखा कि सोशल नेटवर्किंग के लिए जो या जो ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले लोग थे, हम बहुत
क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये फ्लॉप डाउन हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी लाइफ वाइज, बट हम लोगों ने देखा कि आज उसी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स ने हमारे जो सिटीज़ के, जो हमारे शहरों के जो शॉप्स हैं, उनके लिए एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है. तो वाई नॉट टू जॉइन द ऑनलाइन सर्विसेज या सोशल नेटवर्किंग एरियाज़ जहाँ पे आप लोग अपनी बेहतर सर्विसेज दे पाएँ. और इस लॉकडाउन के बाद तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, वर्क फ्रॉम होम की जो एक नई चलन शुरू हुई है उसके माध्यम से आपके पास बहुत 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 सारे रास्ते एक साथ खुल गए हैं. तो अपने आप को अपग्रेडेड रखिए. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं, जो स्पेशली जो हमारा यूथ है, कि वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता. शर्मिंदगी हम लोगों को ऐसे चैनल्स के थ्रू पैसा कमाने से होनी चाहिए जहाँ से हम किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लाइक ड्रग एडिक्शन की तरफ हम लोग देखते हैं, है ना, काला बाजारी की तरफ हम लोग अपने यूथ को धकेल रहे होते हैं, ड्रग एडिक्शन की तरफ धकेल रहे होते हैं. और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जो जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम है, बट हम लोग गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, रिश्वतखोरी कर रहे होते हैं, या बीच में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं. तो उससे शर्मिंदगी होनी चाहिए, बल्कि न केवल न कि इस बात से कि हम किस तरह से हेल्प लें. जब आप हेल्प लेते हैं तो दूसरों के लिए भी आप एक हेल्प और उम्मीद बन करके पैदा होते हैं. हो सकता है आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो वो आप जैसे किसी व्यक्ति की वाकई में वेट कर रहा हो. और एक और मेरी सलाह है कि आप जब अपने लिए किसी जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि दूसरे किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान हो पाए. और अगर ये चेन बनती रहेगी तो यकीनन ये आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. वेल, सबसे मुझे लगता है कि ये सारी टिप्स आप लोगों के लिए काम आएंगी. और बस मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि कीप योर वरीज अवे फ्रॉम योरसेल्फ और होप को अपना एक आवरण बना लीजिए. होपफुल रहिए, क्योंकि अगर होप है तो सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली चला आएगा. आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होप के कारण जब हमारी बॉडी में, ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है. साइंटिफिकली मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ आपको कि जब हम लोग होपफुल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो सेरोटोनिन और सेरोटोनिन के साथ साथ डोपामिन रिलीज होता है और उसके कारण हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रोवाइज हो जाती हैं, बहुत बेहतर ढंग से काम करती हैं और आपको बेहतर बेहतर ढंग के सॉल्यूशंस आपके सामने ला करके देती है. तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सही साबित होगी, हेल्दी साबित होगी और आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और औरों के साथ भी शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.